दोस्तों सैमसंग के फोल्डेबल अपने 6th जनरेशन में पहुंच चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 6 के बारे में। इस साल आपको सारे फोन्स के अंदर AI और ये फोल्ड फोन वन ऑफ द बेस्ट AI फोन होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया कह रही है। जब मैंने यूज किया मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से AI का इंटीग्रेशन किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूँ भाई की सैमसंग के जो फोल्ड फोन है OG फोन है भाई, 6 साल से चले आ रहे हैं, जहाँ पे अभी फोल्डेबल फोन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, जहाँ पे आपको लेने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि भाई कुछ दिक्कत तो नहीं है, बिल्ड क्वालिटी कोई इशू तो नहीं होगा, लंबा चल जाएगा। सब चीज अब काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं फिर अनबॉक्सिंग के साथ। यहाँ पे कुछ आपको ब्लैक सा बॉक्स मिल जाता है, जिसको ओपन करोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे फोन मिल जाएगा। और सैमसंग ने फोल्ड 6 के लिए काफी सारे डिफरेंट क्रिएटिव कवर्स भी लॉन्च किए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं S Pen केस। इसके पीछे S Pen लगा रहता है और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। कैमरा अलाइनमेंट के आसपास ये मस्त वाला मेटल फ्रेम यूज किया गया। ओवरऑल ये बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है मेरे फोन के ऊपर। और दूसरे वाले काइंड सूट केस के बारे में बात करें, भाई ये लेदर फिनिश के साथ आता है और बहुत ही ज्यादा लग्जरी फील दे रहा है फोन को। और अगर मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो मैं इसी को यूज करता हूँ, इन हैंड बहुत ही अच्छा फील देता है, तो है तो काफी कमाल का। सो स्टार्ट करते हैं फोन को रियल लाइफ में यूज करना। और भाई रियल लाइफ में यूज करने से पहले मैं इस वाले फोन को 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरा एक्चुअल वाला सिम है, जिसके ऊपर कॉलिंग वॉलिंग हो रही है और हर चीज का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ रहा है। तो अपने रियल लाइफ टेस्ट की स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो से। वीडियोस पर आपने क्लिक किया है, आपने एक थंबनेल देखा होगा, वो थंबनेल मैं अभी डिजाइन करूंगा इस वाले फोन से, क्योंकि भाई इसके अंदर S Pen मिलता है ना, और इसमें से S Pen निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्केच टू इमेज का एक फंक्शनैलिटी है, इसको यूज करोगे आप कुछ भी स्केच करो। ये फोल्ड फोन बना दिया मैंने, ये थोड़ा मैं हूँ इस्माइल कर रहा हूँ भाई, एंड गया यहाँ पे हाथ से पकड़ लिया मैंने। रियल लाइफ यूज करने वाला तो पीछे बना देते हैं थोड़ा बहुत पेड़, 1-2 बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ पे सूरज बना देते हैं। रुक काइंड ऑफ ऐसा ही थंबनेल हम लोगों ने प्लान किया इस वीडियो का, जनरेट करते हैं। देखो, ब्रिंगिंग योर ड्रॉइंग टू लाइफ। ओ वाओ भाई, काफी ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखो, लेकिन ये ड्राइंग थी, मुझे ये वाला काफी ज्यादा एक्यूरेट लगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, देखो जैसे कि पॉप आर्ट, 3D कार्टून, इसको करते हैं जनरेट। और 3D कार्टून जब हमने ट्राई किया, ये वाली ड्राइंग को इसने ऐसा बना दिया, काफी ज्यादा क्लोज है जो मैं इमेजिन कर रहा था। तो आप भी अपने ड्रॉइंग को ऐसे रियल लाइफ में ला सकते हो बहुत ही आसानी से। आपके जो थॉट प्रोसेस रहेंगे एक्चुअल में फोल्ड उसको समझने वाला है, ये बहुत क्रेजी चीज है। दोस्तों अपना थंबनेल तो बन चुका है, उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, वो डिजाइन होता रहेगा। लेकिन अभी इतना डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च आसान काम नहीं भाई, काफी ज्यादा आर्टिकल, बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैंने ये विकिपीडिया का पेज खोल रखा है, लेकिन देखो ये पेज कितना ज्यादा लंबा है भाई। इसको सिंपली मैं यहाँ से गैलेक्सी AI पे टैप करूंगा और समराइज कर लूंगा, और कुछ ही सेकंड में भाई पूरी समरी सामने आ जाएगी। 2019 से फोल्डेबल स्टार्ट हुआ था, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आया था, क्विक एक्सेस के लिए था इसका। थोड़े फोल्ड 6 के भी आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। तो अब ये वाले आर्टिकल मुझे मिली है, इसको समराइज करते हैं एक बार। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold अब थोड़ा हल्का हो गया, थोड़ा पतला भी हो गया है, डिस्प्ले कवर इसको थोड़ा वाइड हो गया है, ब्राइटनेस काफी अच्छी है डिस्प्ले की, और S Pen को यूज करके आप स्क्रिबल कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे जो मिल रही है। और Android 14 पे चलने वाला है, जिसमें 7 साल का अपडेट मिलेगा, मतलब सिंपली कुछ ही सेकंड में पूरी आर्टिकल में पढ़ सकता हूँ, और ये चीज बहुत हेल्प करती है डेली लाइफ में। थंबनेल हो गया दोस्तों, रिसर्च भी हो गया, सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है। लेकिन अब बस मुझे चाहिए चाय और थोड़ा बहुत सामान भी लाना है बाहर से, और ये सब चीज मुझे बार-बार खुद से करना पड़ता है, इसलिए सोच रहा हूँ एक असिस्टेंट हायर कर लेते हैं। सारा चालू काम इसी से करवा ले करूंगा। और असिस्टेंट हायर करने के लिए 1-2 लोग हैं मेरे दिमाग में, सबको मेल कर देते हैं। और जब भी कोई मैं मेल लिखता हूँ ना, जैसे कि कंपोज मेल पे आया मैं, तो यहाँ पे मुझे दिखता है गैलेक्सी AI, इस पे टैप करो और यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। कंपोजर पे चले जाओ और यहाँ पे बस अपनी रिक्वायरमेंट लिख दो। इसको प्रोफेशनल नहीं, इसको थोड़ा पोलाइट कर देते हैं भाई। तो रिक्वेस्टिंग मोड में विद इन सेकंड्स यहाँ पे पूरा मेल रेडी हो चुका है। इंसर्ट यहाँ से कर सकता हूँ मैं, और ये काम बहुत ही आसान हो चुका है भाई। इसके लिए सोच के लिखना पड़ा था भाई, क्या लिखा जाए, ग्रामर ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बट अगर आप बहुत सही से इसको प्रॉम्प्ट दोगे तो ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे ईमेल्स लिख सकता है। अगर आपको गर्लफ्रेंड को भी लिखना है ईमेल या लेटर, वो भी लिख देगा। प्यार भरे मेल्स मैं ट्राई करके देखा है भाई, काम करता है। तो सैमसंग फोल्ड 6 के AI फीचर्स को टेस्ट करने के लिए हम आउटडोर आ चुके हैं अपने नए असिस्टेंट के साथ। क्या करना बताओ, सामान खरीदना चाहिए। बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं कितना अच्छा काम करता है और क्या क्या काम करता है। फोल्ड 6 के अंदर एक इंटरप्रेटर वाला मोड मिलता है आपको, तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती किसी और की, जैसे भैया को बस हिंदी आता है, मुझे बस इंग्लिश आती है। तो आई विल आस्क हिम क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड ही विल रिप्लाई इन हिंदी। लेट्स चेक। भाई रिकॉर्डिंग वाला परमिशन तो नहीं मिला, असिस्टेंट ने भी कुछ काम नहीं किया। अभी हम लोग चाय की टेपरी पे चाय पियेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ। देखो इंटरप्रेटर मोड में एक फीचर है, हेलो भाई हाउ आर यू डूइंग, कैमराज आर वर्किंग फाइन, हेलो हाय आप कैसे कर रहे हैं, कैमरे ठीक काम कर रहे हैं, और ये चीज यहाँ पे दिखाएगा। तो इससे होता क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। भाई एक्चुअली बहुत गर्मी लग रही है, भाई गिव मी 2 कप ऑफ टी। हाँ देता हूँ 2 कप चाय। शूटिंग के टाइम पे तो डिफरेंट फील आएगा, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में अगर आप फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो तो ये फीचर बहुत काम आने वाला है। और आपको बार बार स्क्रीन दिखाना नहीं पड़ेगा, सामने वाले स्क्रीन पे हर कुछ दिख जाता है। तो एक्चुअल में ये बहुत सही फीचर है। मस्त भाई, लेकिन जो डुअल डिस्प्ले का इंटीग्रेशन है ना, वो बहुत कमाल का लगा मुझे। एक्चुअल में एक फोल्ड फोन को यूज किया जा रहा है कंप्लीट कन्वर्सेशन को स्मूथ करने के लिए। आपको सिंपली ये वाला फीचर को ऑन करना है या ऑफ करना है, और डिस्प्ले पे ट्रांसलेशन दिखने लगेगा। हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो ये इंडिया में भी एक्चुअली बहुत काम आएगा। लेकिन जब आप फॉरेन घूमने जाओगे तो अब ये फीचर तो लाइफ सेविंग हो सकता है। मैं भाई घूमने गया हूँ बाहर, बहुत दिक्कत होती है बात करने में, लेकिन अब नहीं होगी। तो चाय वो पी लेते भाई। चाय तो अच्छा है भाई, इसका बिल नहीं पे किया मैंने, पता है कितना हो भाई चाय का? 10 रुपए। मैं यहाँ से बैठे भी पे कर सकता हूँ आराम से। और हो गया, आ गया भाई, पेमेंट डन। ठीक है भाई, फोन पे कैमरा इतना स्ट्रॉन्ग है इसका, तो एक्चुअल कैमरा देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वैसे कैमरे के अंदर भर भर के एआई फीचर्स भी है, सब कुछ चेक करते हैं। सामने वाले पार्क में जाते हैं, मस्त शूटिंग करते हैं यहाँ पे। और ये असिस्टेंट कुछ काम हम कर नहीं रहा, तो कैमरा उठा ले, चल रिकॉर्ड कर। वैसे अगर कैमरा के नंबर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे टोटल आपको 5 कैमरा मिलने वाले हैं। 3 है रियर कैमरा और 2 है सेल्फी कैमरा। यहाँ पे मेन कैमरा सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस कैमरा, और 12 मेगापिक्सल का इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। मतलब एक फ्लैगशिप कैमरा सेटअप है। और सेल्फी कैमरा इसका तो काफी मैजिकल है। इस डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले कैमरा मिल जाता है। जब भी कोई कंटेंट आप देखोगे ना डिस्प्ले पे, ये कैमरा छुप जाता है। वैसे ये 4 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो आपको फोल्डेबल डिस्प्ले के अंदर मिलता है। और अगर फोन बंद कर देते हो तो 10 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिलता है। कुछ सेल्फीज ले लेते हैं भाई, और ये सेल्फी ये छुपे हुए कैमरा से आ रही है, और कुछ सेल्फी यहाँ से भी ले लेते हैं, थोड़ी बिल्डिंग की फोटो ले लेते हैं। तो ये इसका वाइड एंगल कैमरा है, और ये है इसका 1x, और ये है इसका 3x। और तीनों ही फोटो के लिए इसने तीनों अलग अलग लेंस यूज किया है, लेकिन ये कुछ नहीं है। इसके कैमरा में जो AI फीचर्स है वो दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे मस्त बिल्डिंग की फोटो क्लिक की थी, इसको अगर मैं गैलेक्सी AI को दे दूँ, देखो इसको एनालाइज करने वाला है। अब ये बोल रहा है स्केच टू इमेज का ऑप्शन अवेलेबल है मेरे लिए। देखो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक उड़न तस्तरी बनाता हूँ, वो भी इस केस में मिलने वाले S पेन से। मैंने यहाँ पे बना दी दोस्तों उड़न तस्तरी, मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है। अब कर देते हैं जनरेट, फाइन ट्यूनिंग, आर्टिस्टिक इमेजेस। क्या आने वाला भाई मेरी बिल्डिंग के ऊपर, मैं भी एक्साइटेड उसको देखने के लिए। वो भाई इसने सूरज बना दिया है, और ये इतना ज्यादा एक्यूरेट है। या तो सिंपल सूरज हो, या तो काफी नेचुरल हो। ये मैंने ड्रॉइंग दिया था इसको, इसने अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है। और फोल्ड 6 के हिसाब से जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो आपको सामने निकाल के देता है। तो आप सिंपली सेव कॉपी कर दो। एक बार यहाँ पे प्लेन बनाते हैं, चिड़िया बना दी भाई, पता नहीं क्यों मैंने। क्या लगता है क्या आएगा, प्लेन आएगा चिड़िया आएगी? चिड़िया आएगी भाई, मुझे लगता है दोस्तों प्लेन आएगी, क्योंकि प्लेन आ चुकी है। भाई क्या सही बनाया है इसने, लग रहा है भाई वहीं से हवाई जहाज निकला है। डिफरेंट ऑप्शन भी ना वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। ये बनाया था मैंने, ये भाई AI ने बनाया। भाई अब AI को यूज करके किसी की भी ड्राइंग खराब नहीं होगी, मेरी गारंटी। स्केच वाले फीचर से मेरा मन नहीं भरा है, एक चीज और बनाते हैं, इसको थोड़ा लोकी बना देते हैं। लोकी, ये तो कान बना दिया भाई मैंने। जनरेट रेज बनने वाला है कुछ, ये क्या बना दिया भाई। जो भी है भाई काफी इंटरेस्टिंग है यार। वैसे AI की मदद से अपने सेल्फीज को आप वेरी क्रिएटिव बना सकते हो। जब भी इंसानी चेहरा फोटोज में आ जाता है, गैलेक्सी AI पोर्ट्रेट स्टूडियो को ऑप्शन देता है। यहाँ पे मैं अपना आपको खुद ही बना सकता हूँ। मैं बनाऊंगा कॉमिक। ओ आपका भाई तो पूरा हैंडपंप हो गया है भाई। भाई मस्त लग रहा है सच में यार। एक्चुअल में नेक्स्ट AI फीचर ट्राई करते हैं। और जब भी मैं फोल्ड से फोटोज क्लिक करता हूँ, सबसे कमाल फीचर मुझे यही लगता है। क्या फोटो क्लिक हो रही है, मुझे सब दिख रहा है, और मैं आराम से अच्छे से पोज दे सकता हूँ। और ये जो हम बार बोलते रहते हैं ना, मेरी फोटो बड़ी बेकार क्लिक की तूने, अब नहीं बोल पाऊंगा मैं इसको। भाई वाइड एंगल पे जाना, वाइड एंगल पे थोड़ा ऐसे क्लिक करना है, मस्त फोटो, थोड़ा वाइड वाला। हाँ मस्त फोटो भाई, मस्त फोटो आ रही है। और अभी तो मैं आउटडोर में टीम के साथ फोटो शूट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अकेले होता तो भी फोल्ड फोन हेल्प करता है। आपको सिंपली एक स्पेस ढूंढना है दोस्तों, जैसे कि असिस्टेंट टेबल टेबल टेबल। आपको बस एक स्पॉट ढूंढना है दोस्तों, फोन वहां पे रखो और सेल्फी क्लिक कर लो। भाई अभी तो फायर हो गया था ना, लेकिन एक्चुअल में ये चीज बहुत हेल्प करती है। फोन को ऐसे खड़ा कर लो, या ऐसे, या जैसे तैसे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। सर के बल भी खड़ा कर सकते हो, पकड़ लो। AI फीचर्स। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा भाई कि मुझे हिंदी नहीं आती है, आज वीडियो के लिए बस बोल लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ मैं। और यहाँ पे भाई आसपास काफी सारे पोस्टर्स हिंदी में है, तो ऐसे आप भी बाहर वाले देश में जाओगे जहाँ पे आपको बहुत सारे मार्केट वार्केट पे पोस्टर दिख जाएंगे और उन सभी एड्स को समझने के लिए आपका फोल्ड 6 बहुत काम आने वाला है। तो सैमसंग फोल्ड 6 के अंदर आपको एक ओवरले ट्रांसलेट मोड मिल जाता है। सिंपली आपको कैमरा ओपन करना है और उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करना है होम बटन को एंड सिंपली ये ट्रांसलेट वाला बटन दबा दो। अब देखो ये पीजन नेट इंस्टॉल्ड, कबूतर जाही लगवाए दोस्तों, और ये बहुत फास्ट है। एक और बार ट्राई करते हैं सामने वाले मार्केट में। देखो यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसको प्रेस एंड होल्ड किया और ट्रांसलेट, और ये भाई बहुत ज्यादा फास्ट है। ये अल्ट्रासाउंड कराने वाले लोग हैं, करने वाले। इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, मुझे अब समझ में आ गया। अब फोल्ड 6 है भाई इतना बड़ा सा डिस्प्ले है, तो इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज करने वाले हो। अगर आप लोग कभी बार बार ऐसे मीटिंग वीटिंग अटेंड करते हो, जैसे कि मैं भाई मीटिंग में जाता हूँ स्मार्टफोन्स की, तो वैसे वैसे मीटिंग में बहुत सारे अंदर की बातें बताता है ब्रांड, आप इसको याद नहीं कर सकते, इसलिए मैं लिखता हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं सिंपली नोट्स ओपन करता हूँ, न्यू नोट्स, और अब ये नोट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और मेरा फेवरेट फीचर है, यहाँ पे एक प्लस बटन है, इस पे टैप करो और ये वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दो। सिंपली मीटिंग में लोग 10 तरह की बातें करते हैं, सब ये रिकॉर्ड करेगा। कोई कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको पॉइंट नंबर 1 लिखना था, ठीक है, ऐसे पॉइंट बनाया मैंने, दूसरा पॉइंट बना लेता हूँ, और तीसरा पॉइंट होगा डिस्प्ले इज मोर वाइड। ऐसे मैंने 3-4 पॉइंट बना लिए। अब मीटिंग खत्म हो गई और मैंने स्टॉप कर दिया इसको। पता आप क्या करेगा, ये जैसे आप ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे दोबारा ना, अब देखो मीटिंग में कुछ ही बातें हो रही होगी। पहले तो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला है जो भी मीटिंग में बातें हुई थी, और जिस भी पॉइंट पे आपने जो भी फीचर्स या फिर पॉइंट्स लिखे थे वो पॉइंट उसी वक्त विजिबल होने वाले। और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है, इससे आप सिंपली पूरे मीटिंग को रिक्रिएट कर सकते हो विद ऑल द पॉइंट्स। तो दोस्तों इतने सारे एआई फीचर्स को चेक करने के बाद मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 6 सच में एक ओजी स्मार्टफोन है। इसके अंदर जितने भी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने वाले स्मार्टफोन का या फिर टैबलेट का। और इसके अदर फीचर्स तो बहुत लंबे, क्योंकि ये एक स्मार्टफोन नहीं है, ये है 1 और 2, दो स्मार्टफोन, और इसकी कंप्लीट टेस्टिंग चल रही है, जिसका बहुत ही जल्दी फुल डिटेल रिव्यू आएगा। आपको हर चीज बताएंगे क्या तगड़ी बात है इस वाले फोन की और कहां-कहां पे और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और 3 डिफरेंट कलर्स भी हैं, आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। अपना Z Fold 6 स्टार्ट हो रहा है 1,64,999 रुपीज से, जिसमें फोन का बेस वेरिएंट है 256 GB का। लेकिन कमाल की बात है यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स है, जैसे की 8,000 रुपए का अपग्रेड बोनस है, 8,000 रुपए का आपको बैंक डिस्काउंट ऑफर है, और 9 मंथ का नो कॉस्ट EMI ऑफर भी है। सभी को यूज करके आप इतने अमेजिंग फोन को अपना बना सकते हो, और मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ। और अमेजिंग वीडियोस के लिए टेकूब को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका डिटेल रिव्यू बहुत जल्दी आ रहा है। और पूरी वीडियो में मैंने सैमसंग का गैलेक्सी अल्ट्रा वॉच पहना हुआ था, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आ रही है। बाय।